और इनकम टैक्स टीम का ये छापा एकदम फिल्मी अंदाज में हुआ। व्यापारियों को छापे की भनक ना लगे, इसके लिए आईटी अधिकारियों ने अपनी गाड़ियों में राहुल वेट्स अंजलि के स्टिकर लगाए। कई गाड़ियों में दुल्हन हम ले जाएंगे के स्टिकर लगाए। 260 आईटी अधिकारी बाराती बनकर 120 गाड़ियों में व्यापारियों के फार्म हाउस पर पहुंच गए और उसके बाद तो गुलाबी नोटों के बंडल ही बंडल निकलने लगे। जहां देखो वहां नोटों की बारिश होने लगी। खास बात यह रही कि अधिकारियों ने छापे के दौरान दुल्हन हम ले जाएंगे कोड का भी इस्तेमाल किया। आखिर इनकम टैक्स ने किस तरह से छापेमारी को फिल्मी अंदाज में पूरा किया सफलतापूर्वक, देखिए। नब्बे करोड़ की अकूत दौलत का खुलासा। 58 करोड़ कैश, 32 किलो सोना। जालना में इनकम टैक्स ने डाली फिल्मी अंदाज में रेड। 260 बाराती, 120 गाड़ियां, गाड़ियों पर अंजलि वेट्स राहुल के स्टिकर, आईटी रेड का कोड दुल्हन हम ले जाएंगे। महाराष्ट्र के जालना में आयकर विभाग ने स्टील, कपड़ा व्यापारी और रियल एस्टेट डेवलपर के यहां छापेमारी की। लेकिन इनकम टैक्स की टीम को इसके लिए बाकायदा फिल्म की तरह स्क्रिप्ट लिखनी पड़ी, जिसमें आयकर विभाग के अफसर बाराती बनकर आए और 390 करोड़ की अकूत दौलत का खुलासा कर दिया। एक मुखबिर से मिली खबर के बाद इनकम टैक्स की टीम ने किसी फिल्म की तरह किरदार चुने। प्लानिंग ऐसी कि किसी को भनक तक ना लगे, रेड की खबर लीक ना हो, इस वजह से टीम में नासिक, पुणे, ठाणे और मुंबई के 260 अधिकारियों को शामिल किया गया। सभी ने अपनी गाड़ियों पर दूल्हे और दुल्हन के नाम के स्टिकर लगाए, जिससे ऐसा लगे कि आयकर विभाग के अफसर किसी शादी में जा रहे हों। सभी गाड़ियों की पहचान के लिए एक कोड वर्ड भी लगाया गया। कोड वर्ड था दुल्हन हम ले जाएंगे। इस छापेमारी के बाद जिन लोगों पर मुकदमा चलाया गया है, उनमें औरंगाबाद का एक नामी बिल्डर और बिजनेसमैन भी शामिल है। यहां से मिले 58 करोड़ कैश को गिनने में आयकर विभाग की टीम को 13 घंटे का समय लगा। नोटों को गिनने के लिए 12 मशीनों को मंगाया गया था। सूत्रों के मुताबिक नासिक इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन डिविजन के तहत औरंगाबाद की टीम को मिली जानकारी के अनुसार, जालना में 4 बड़े स्टील मिलों ने कारोबार से कई करोड़ रुपए की सरप्लस आय की और उसका अवैध लेन देन किया। इसके बाद इन कारोबारियों पर आयकर विभाग की टीम ने शिकंजा कसा। छापेमारी में इन 4 स्टील कारोबारियों में से 3 के पास से नकदी के साथ सोने के आभूषण, सोने के बिस्किट, सोने की ईंट, सिक्के, हीरे भी मिले हैं। 32 किलो सोने के गहनों की कीमत बाजार भाव के हिसाब से 16 करोड़ रुपए है। इसके साथ कई फ्लैट, ऑफिस, अलग अलग जगहों पर जमीन, खेत, बंगले से जुड़े दस्तावेज जब्त किए गए। इनकम टैक्स की टीम के मुताबिक अभी काले धन के कुबेरों के खजाने से चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। इसके साथ ही कई बिल्डर और नेता भी इसकी जद में आ सकते हैं। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।